छठ यानी कि सूर्य की आराधना। भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि हमें साक्षात दिखाई देते हैं। माँ गंगा के तट पर कार्तिक मास के षष्ठी तिथि को छठ मैया की पूजा की जाती है। कहते हैं कि लोगों की हर मनोकामना छठ मैया पूरी कर देती हैं। छठ के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि छठ रामायण और महाभारत काल में भी वर्णित है। शास्त्रों के मुताबिक जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस आते हैं तो पाप मुक्ति को माता सीता छठ मैया यानी कि सूर्य की आराधना छठ की तिथि को करती हैं। वहीं महाभारत काल में कर्ण भी गंगा नदी के तट पर जाकर भगवान सूर्य की आराधना छठ में किए थे, जिसके बाद अज्ञातवास में जाने के पश्चात द्रौपदी ने भी इस व्रत को विधि विधान से किया था। उसके बाद से ये परंपरा चलती आ रही है। सबसे पहले महज उत्तर भारत में इस पर्व को लोग मनाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की इस महापर्व के प्रति आस्था बढ़ी और आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से लोग छठ व्रत करते हैं। बताया जा रहा है कि पहले घर की बुजुर्ग महिलाएं ही इस व्रत को किया करती थी, लेकिन मौजूदा समय में पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। वहीं इस व्रत में गंगा जल का अलग महत्व होता है। हर काम में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जहां लोगों को गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पाता है, वे थोड़े से गंगा जल को अधिक पानी में मिलाकर अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि गंगा जल अगर किसी भी जल में मिल जाए तो अपने आप में पवित्र हो जाता है। छठ पूजा खासकर चार दिनों का पर्व है, जिसकी तैयारी लोग दीपावली के बाद से ही शुरू कर देते हैं। चौथ के दिन से यानी कि नहाय खाय से इस व्रत की शुरुआत होती है, जिसे लोग लौकी भात भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन व्रती यानी कि जो महिला या पुरुष व्रत करते हैं वो गंगा में स्नान के बाद अरवा चावल से बनी भात और चना की दाल के साथ लौकी की सब्जी खाते हैं। उसके बाद से ही ये व्रत प्रारंभ माना जाता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर शाम को खीर रोटी या फिर पूरी मिट्टी के आखर चूल्हे पर पकाती है। इसके बाद व्रती प्रसाद चढ़ाकर खुद ये खाती है। खरना करने के बाद से व्रती का फिर से निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो कि निरंतर चलता रहता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन सुबह उठकर व्रती आटे गुड़ व घी से ठेकुआ पुआ तैयार करती हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले तक अपने सूप में सभी मौसमी फल सब्जियों के साथ ठेकुए को सजा लेती हैं फिर गंगा के तट पर जाकर भगवान सूर्य को डूबते समय अर्घ देती हैं। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें भगवान सूर्य के डूबते हुए रूप की पूजा की जाती है, यानी कि इस व्रत में डूबते हुए सूर्य की आराधना से पूजा प्रारंभ होती है। इस व्रत में हर वस्तु प्राकृतिक होती है। कहते हैं कि ये व्रत प्रकृति की उपासना का पर्व है, इसलिए इस व्रत में सभी फल व सब्जियां मौसमी ही होते हैं। इसके साथ ही इसमें शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि कोई चूक ना हो जाए। संध्या के बाद व्रती जब वापस घर आती हैं, तो वो सूप से सभी फल सब्जियां व ठेकुए को बदल देती हैं, ताकि सुबह फिर से उगते हुए सूर्य की उपासना के वक्त उन फलों को चढ़ाया जा सके। इस व्रत में सूप में ही भगवान सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि बांस का बना होता है। फिर सुबह सूर्योदय से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले व्रती गंगा के घाट पर पहुंचती हैं, जिसके बाद वो नहाकर कमर तक पानी में खड़ी होकर छठ मैया की आराधना करने लगती है। फिर लालिमा के साथ उगे हुए सूर्य को जल चढ़ाकर व्रती अपनी आराधना संपन्न करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 36 से 40 घंटे तक व्रती निर्जल व्रत में कैसे रह पाती है। दरअसल ऊर्जा के स्रोत माने जाने वाले सूर्य अपने हर भक्त को ऊर्जा दे ही देते हैं। यही कारण है कि युग युगांतर तक चली आ रही इस व्रत के प्रति आज भी लोगों की आस्था बनी हुई है। खासकर लोग छठ व्रत बच्चे की कामना, बच्चों के दीर्घायु, धन प्राप्ति के साथ सुख के लिए करते हैं। मौजूदा समय में भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद भी लोगों में छठ के प्रति वही आस्था है। यही कारण है कि लोग अपनी सुविधा अनुसार इस परंपरा को आज भी बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। बिग न्यूज 24x7 कोलकाता से संपदा झा की स्पेशल रिपोर्ट।